तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वाशिंग मशीन का गेयर बॉक्स किस प्रकार से चेंज करते हैं। देखिए वाशिंग मशीन कोई सी भी हो, गेयर बॉक्स सेम ही चेंज होता है, ठीक है। तो आज मैं टोटल फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को लाया हूँ और ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाशिंग मशीन है जो कि कल्टीवेटर की है, इसको गोदरेज का भी रूप दे सकते हैं। गोदरेज और कल्टीवेटर में कोई भी फर्क नहीं होता है। सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो आप लोग चरखा देख रहे हैं, ठीक है, इसका एक अंदर बीच में बोल्ट होगा, तो उस नट को आप लोगों को खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको ऊपर की साइड उठा लेना, देखिए इस प्रकार से मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक। जब दोस्तों इसका बोल्ट खोल के आप लोग इस एम्पलर को, यानी इसको पल्सेटर का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बाकी सब इसको चरखा बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ पहले सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, इसको खोलना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका नज़ारा दिखाई देगा अंदर से। अब आप लोगों को देखिए क्या करना है, अब आप लोगों को लेना है टामी और गोटी ले सकते हैं, या फिर ये जो लीड देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं दोस्तों ड्रेन बाल, यानी कि ड्रेन वाली जो हमारी लीड होती है। तो दूसरे नंबर पर टॉपिक पे आप लोगों को इसको खोल लेना, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं खोल देता हूँ, देखिए इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है बदलने में, बड़ा ही हल्का काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ, वायरिंग वगैरह आप लोगों की टूटेगी नहीं, इस प्रकार से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। बाकी सोचते हैं अगर वायरिंग काटनी पड़ेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। तो वायरिंग भी आप लोगों को खोलने की ज़रूरत है नहीं, जिस प्रकार से मैं देखूँ। अब इसको आप लोगों को लचा लेना, लचाने के बाद देखेंगे यहाँ पर जो हमारी ड्रेन मोटर होती है, यानी कि जिसे कपड़े सुखाते हैं, उसके ऊपर एक पुली होती है। तो दोस्तों पुली में जो बोल्ट हमारा खींचे हुआ होता है वो 8 नंबर या 10 नंबर की टामी गोटी लगेगी, तो आप लोग उसको खोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखें हमारा 10 नंबर की गोटी हमने लगाई और यहाँ पर जो पुली में नट होता है उसको हम इस प्रकार से खोल देंगे, ठीक। तो दोस्तों हमारा जो नट है वो खुल चुका है, तो मैं इसको हाथ से खोल देता हूँ, ठीक है। अब इसको रख देता हूँ और बोल्ट जो है इसका वो खोल देता हूँ। देखिए ये तो हमारा बोल्ट खुल गया, ठीक। अब इसको ऐसे रहने देना, कोई परेशानी बात नहीं है, ये हमारी वायर ऐसी रहेगी, टूटने की नहीं। अब आप लोगों को क्या करना है, पेचकस की मदद से जो इसके पेच होते हैं, देखिए पेच कौन से होते हैं, एक ये होता है हमारा जो कि मैं यहाँ पर इसको खोल लेता हूँ, यानी कि बॉडी के जितने भी पेच हैं इस पोजिशन के, ठीक। ये नीचे वाला जो पोजिशन होता है हमारा, ये वाला और नीचे भी काफ़ी सारे पेच होते हैं, इनको आप लोगों को खोलना है अब, ठीक है। यानी कि जो बॉडी है हमारी वाशिंग मशीन की वो अलग करनी है, यानी कि नीचे का हिस्सा अलग करना है और ऊपर का हिस्सा अलग करना है मान लिया तो, ठीक है। और बॉडी का हिस्सा इस प्रकार से आप लोगों को अलग करना है, एकदम झटका वगैरह नहीं देना है जिससे हमारी वायर वगैरह टूट जाए, ठीक। तो हमारा ये खुल चुका है, अब इसको मैं उठाता हूँ, जो आगे के कुछ पेच हैं उनको भी मैं यहाँ पर खोल देता हूँ, ठीक है। तो इधर के हमारे जो पेच हैं इनको भी खोल लेते हैं, देखिए एक ओरा पेच और एक ओरा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सारे के सारे पेच खुल चुके हैं, अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आराम से इसको पीछे की साइड को खींचना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी पुली हिलक रही होगी, तो पुली आप हाथ से भी इस प्रकार से जाम होती है या थोड़ी सी निकाल सकते हैं, इसको पीछे की साइड को धक्का देंगे तो हमारी पुली जो है क्या होगा, शापट जो है वो पुली में से निकल जाएगी, ठीक। देखिए निकल चुकी है, यहाँ पर निकल जो ड्रायर है हमारा वो निकल चुका है, मैं आप लोगों को साफ करके दिखा देता हूँ, देखिए निकल गया, ठीक है। तो हमारा ये अलग हो चुका है, देखिए हमारी मशीन की अब अगर वो अलग हो गया समझ लीजिए तो बॉडी हो गई। अब आप लोगों को इस प्रकार से घुमाना है कि वायर हमारी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक। अब देखिए हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा आ गया यहाँ पर गेयर बॉक्स, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, सर्टिफाइड हो सकते हैं कि गेयर बॉक्स हमारा कहीं से पानी तो नहीं दे रहा। अगर मान लीजिए वो कहीं से पानी दे रहा है, नीचे सीटें आ रही हैं, जंग वगैरह खा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा गेयर बॉक्स होता है, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है, जितने भी यहाँ पर पेच होते हैं अंदर की साइड वाले, देखिए यहाँ पर कुछ बाहर की साइड के पेच होते हैं कुछ अंदर की साइड के, तो जो बड़े वाले पेच होते हैं अंदर की साइड के, इस गेयर बॉक्स में 4 पेच हैं, ठीक है। तो मैं इन 4 पेचों को यहाँ पर खोल लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कुछ जो वीडियो बची भी हुई है इसको खोल लेना है, वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।